गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे थे तो अभी चूंकि पावर सप्लाई चली गई थी इस वजह से। ओके गुड गुड जी। तो आपने देखा इस तरह से कि पावर सप्लाई चली गई थी जिसकी वजह से क्लास आपकी इंटरप्ट हो गई है, और फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाइड्रोसेस की जो स्टेज मैं बता रहा था उन चीज़ों को मैं आपको वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे और उसी क्रम में आप इसको देख लेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले पॉन्ड के अंदर कौन आता है। एक पॉन्ड जो होता है, जो न्यूट्रिएंट लेस होता है, उससे सबसे पहला ग्रोइंग प्लांट जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, कुछ ग्रीन एल्गी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स के रूप में वहां पे पॉइनियर कमेटी जाया जाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स सबसे पहले जो पॉइनियर स्पीशीज होता है। इसके जस्ट बाद आपका आता है जब वहाँ का इन्वायरमेंट बदल जाता है, वहाँ का वाटर की क्वालिटी बदल जाए या वहाँ पे टेम्परेचर बदल जाए, जिसकी वजह से या तो प्लांट खुद मॉडिफाई कर दे या तो प्लांट उस पे अनफिट हो जाए वहाँ के एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पॉइनियर कम्युनिटी की क्या जाती है, डेथ हो जाती है। अनफिट होने में उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होती है तो अगला जो पार्ट 3 देख रहे हैं पॉन्ड के अंदर कौन उसको रिप्लेस कर रहा है, रूटेड सबमर्ज प्लांट। ऐसे प्लांट जिसके अंदर रूट होती है, और चूंकि पहले पॉन्ड जो न्यूट्रिएंट लेस था लेकिन जब पॉइनियर कम्युनिटी की डेथ हुई तो वहां पे उस मड उसके अंदर कुछ मड आ जाती है, कुछ कीचड़ आ जाते हैं और कहते हैं एक सॉइल का लेवल उस पॉन्ड के अंदर खो जाता है। और उस पॉन्ड के अंदर अब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी आ चुका है। तो उसमें जो अगली कम्युनिटी होती है उसका नाम है रूटेड सबमर्ज प्लांट आते रहते हैं। तो मैंने आपको रूटेड सबमर्ज प्लांट की एग्जाम्पल्स बता दिए, और देखिए ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था रूटेड सबमर्ज के एग्जाम्पल जो होते हैं उनको आप लोग याद कर लेंगे, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होते हैं। तो मैंने इनके बारे में बताया आपको कि आपको ये नाम से याद कर लेने की जरूरत है। हर एग्जाम में पूछ लेता है कि रूटेड सबमर्ज प्लांट के एग्जाम्पल बताइए, इसको जानेंगे। जब या तो फिर अगला एक्सटर्नल फैक्टर हो, चाहे वहाँ की लाइट हो, वहाँ का टेम्परेचर हो, चाहे वाटर की क्वालिटी हो, चाहे वहाँ पे न्यूट्रिएंट के अंदर कुछ परिवर्तन आया, जिसकी वजह से अगर रूटेड सबमर्ज प्लांट अनफिट हो गए तो उसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाएगी तो अगली कम्युनिटी उस प्लेस पे फिर से आके सर्वाइव करेगी। और आपको पता है कि सॉइल क्या होगा, धीरे धीरे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इनकी डेथ होने के बाद वहां सॉइल का लेवल उस पॉन्ड के अंदर बढ़ने लगेगा, और अगले जो प्लांट होते हैं जो इस पे सर्वाइव करते हैं, नंबर 4 पे आप देखें उनका नाम होता है रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स। वो कौन होते हैं, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स आ जाते रहते हैं। ये उन प्लांटों को रिप्लेसमेंट कर देते हैं, उनका रिप्लेसमेंट कर दे रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे रूटेड फ्लोटिंग प्लांट आते हैं। आगे धीरे धीरे क्या होता है कि आप देखेंगे कि रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स होने के बाद फिर धीरे धीरे दो ही कारण हो सकता है। मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी का जो रिप्लेसमेंट हो रहा है इस पॉन्ड के अंदर, इस हाइड्रोसेयर के अंदर, उसके कारण दो हो सकते हैं। एक तो मैंने बोला कि ये प्लांट खुद एक्सपेरिमेंट कोई करे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये प्लांट क्या करे, खुद कोई एक्सपेरिमेंट करे। यदि प्लांट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे इसने कोई केमिकल सीक्रेट कर दिया और उस केमिकल की वजह से वहां का पीएच वाटर का बदल जाए, वहां का पीएच वहां पे बदल जाए, अगर वहां पीएच बदल जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि शायद ये अनफिट हो जाए वहां पे। अगर ये प्लांट वहां पे अनफिट हो जाए, ऐसे टाइम में भी क्या हो सकती है, वो प्लांट वहां पे क्या हो जाएगा, जब प्लांट अनफिट अगर हो जाएगा तो वहां पर उस प्लांट की डेथ हो जाएगी, जब डेथ हो जाएगी तो नेक्स्ट कम्युनिटी वहां डेवलप करेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये तो उसकी इंटरनल फैक्टर, भाई खुद की उसकी एक्टिविटी के द्वारा प्लांट ने क्या किया, अपने आप को अनफिट कर लिया, दूसरे कम्युनिटी द्वारा रिप्लेस हो गया। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर में क्या हो सकता है, जैसे वहां लाइट, टेम्परेचर, वाटर का पीएच या कुछ भी परिवर्तन हो जाए जो एक्सटर्नल कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से भी वहां का इन्वायरमेंट बदल जाए और पता चला कि ये प्लांट जो रूटेड फ्लोटिंग प्लांट है ये अनफिट हो गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अगर इनकी डेथ हो जाएगी तो यहाँ पे आप देखेंगे सॉइल का लेवल बढ़ जाएगा,
और जब पॉन्ड के अंदर सॉयल का लेवल बढ़ेगा तो सॉयल पॉन्ड कैसा हो जाएगा, सैलोवा छिछला हो जाएगा, कहते हैं ना धीरे धीरे उसकी डेप्थ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि सॉयल का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो सॉयल का लेवल क्या हो रहा है, सॉयल लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और सॉयल का लेवल इंक्रीज कर जाएगा और सॉयल में क्या बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा। और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कम्युनिटी आएगी, जिन्हें कहा जाता है नेक्स्ट कम्युनिटी जो आगे तैयार होती है यहाँ पे, उसको कहते हैं रीड स्वैम्प स्टेज कहते हैं। यह इनका नाम होता है एम्फीबियस कम्युनिटी, एम्फीबियस प्लांट, एम्फीबियस प्लांट। ऐसे प्लांट होते हैं जो, अब देखिए सॉइल का लेवल इतना ज्यादा हो गया कि धीरे धीरे क्या होता है, वो तालाब या पॉन्ड क्या होता है, एकदम उसके पास जो वाटर का लेवल है ना, वो टेरेस्ट्रियल के बराबर धीरे धीरे क्या हो रहा है, टच हो रहा है। आप यहाँ देखो तो ऐसे प्लांट जो होते हैं जहाँ पे वाटर का लेवल बहुत कम हो जाता रहता है और धीरे धीरे वो पॉन्ड क्या हो रहा है, टेरेस्ट्रियल की तरफ बढ़ रहा है, सॉइल का लेवल इतना बढ़ रहा है, और इस समय जो प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें एम्फीबियस प्लांट करते रहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखो यहाँ पे रीड स्वैम्प स्टेज के जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली कौन होते रहते हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, स्केपस, टाइफा, सिजिटेरिया, फ्रेगमाइट्स, इन प्लांटों को याद रखिएगा जो ट्रांजिशन जो ग्रो में ग्रो करते हैं, जो थोड़ा सा स्वाहा का लेवल पॉड में बहुत ऊंचा हो गया है और अब वो क्या कर रहा है, एम्फीबियस जोन में आ चुका है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के बीच की हैबिटेट वहां पे डेवलप हो गई है और इसे कहते हैं एम्फीबियस। आप यहां पे इसको ऐसे भी देख सकते हैं, रीड स्वैम्प स्टेज। देखो जब रूटेड की डेथ हो जाती है तो अगला जो कम्युनिटी आता है रिप्लेसमेंट के बाद, ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेसमेंट यहां पे भी क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, जो कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट होता है, अगली स्टेज का नाम है रीड स्वैम्प स्टेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड स्वैम्प स्टेज, इन्हें कहते हैं एम्फीबियस स्टेज। एज द प्लांट ऑफ द कम्युनिटी आर द रूटेड बट मोस्ट पार्ट ऑफ देयर शूट रिमेन द एक्सपोज टू द एयर्स। कहते हैं ना ये प्लांट तो रूटेड होते हैं लेकिन वाटर का लेवल इतना कम हो जाता है कि पूरा उसका पार्ट बाहर दिखने लगता है, एक्सपोज हो जाता है एयर के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने बताया टाइफा, सेजिटेरिया, फ्रेगमाइट्स, ये क्या होते हैं, रीड स्वैम्प स्टेज के प्लांट्स होते हैं। इस इन प्लांटों के पास धीरे धीरे राइजोम डेवलप हो जाता रहता है, राइजोम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है और ये क्या करते हैं, डेंस वेजिटेशन उस एरिया में डेवलप करते रहते हैं। और देखेंगे इसके बाद क्या होता है कि जब इनकी डेथ होती है, जब यहाँ का एनवायरमेंट बदलता है तो धीरे धीरे प्लांट जो होते हैं वो प्लांट पूरी तरह से क्या होता है, मड से सॉइल से भर जाता है। अब वो पॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख सकते हो, जैसे आप ये देखो जो अगली स्टेज आपके सामने आ रही है, अब देखिए वो आपकी है रीड स्वैम्प को रिप्लेस करने वाले जो प्लांट्स है उसे कहते हैं सेज मीडो, मीडो स्टेज होती है। यहाँ पे जो प्लांट ग्रो करते हैं ये प्लांट पूरी तरह से अब क्या हो चुका है, ये प्लांट पूरी तरह से अब कन्वर्ट हो चुका है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की तरफ बढ़ने लगा है। अब जो प्लांट आएंगे उनके पास रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्या करेंगे, सॉइल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आएंगे और पूरी तरह से क्या होगा, ग्रो करेंगे, जैसे आप देख सकते हो। तो सीड्स मार्स स्टेज में क्या होता है, आप कौन कौन से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, कैरेक्स, जेंकस, साइप्रस, इलेक्वेरिस, तो इन प्लांटों को आप क्या करेंगे, रिमेम्बर करेंगे, ये जो अगली स्टेज आपकी होगी इन प्लांटों को। तो कभी कभी इन एग्जाम में ये प्लांट्स के नाम पूछ लेता है तो इनके थोड़े से आपको ध्यान रखना चाहता है। फिर जब टेरिस्ट्रियल हैबिटेट डेवलप हो गई है, अगर वहाँ का इन्वायरमेंट बदल रहा है तो जो इनकी डेथ अगर होगी तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो आप
ये सिडमो, जब अगर इनकी डेथ होगी तो एक तरह से पूरा पॉन्ड अब किसमें कन्वर्ट हो चुका है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके बाद जो कम्युनिटी आएगी उसे कहते हैं वुडलैंड स्टेज, उसे कहते हैं वुडलैंड स्टेज कहते रहते हैं। अब क्या होगा कि जब वहाँ की इन्वायरमेंट बदल जाएगा, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण बदल जाए, चाहे वहाँ के उस प्लांट की एक्टिविटी, मैंने कहा ना कम्युनिटी का जो रिप्लेसमेंट होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, उसके दो ही कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगर इसका रिप्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ सॉइल पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कन्वर्ट हो चुकी है, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है, तो धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो कर रहे हैं जो प्लांट क्या होते हैं, वूडी नेचर के होते हैं, जिनके पास क्या होती है स्टेम होता है, जिनके पास वेल डेवलप रूट होती है और वेल डेवलप लीफ होती है, जैसे आप कह सकते हो आपके जिम्नोस्पर्मस प्लांट। धीरे धीरे वहां पे कौन से होंगे, जिम्नोस्पर्मस प्लांट की तरह ग्रो करने लगेंगे, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की डोमिनेंसी होने लगती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि सिर्ज मेडो स्टेज कन्वर्ट हो जाती है आपकी है, जो ये कन्वर्ट हो जाती है आपका वुडलैंड स्टेज में, वुडलैंड स्टेज होती है। वुडलैंड का मतलब ऐसे प्लांट जिसके पास तने क्या हो जाए, मजबूत तने स्टेम होने लगते हैं, ठीक है, वुडलैंड स्टेज में डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बाद आप देखते हैं, अगर आप देखें तो लास्ट स्टेज कौन आती है, फॉरेस्ट स्टेज। फिर धीरे धीरे एक वहां पे फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में जानी जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको और बेटर तरीके से आप देखेंगे, अगर इस ट्रेंड सक्सेशन के ट्रेंड को देखें तो आपने किनको देखा, फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन रूटेड सबमर्ज। देखिए पहला आपका कौन हो गया, यहाँ पे देखिए फाइटोप्लैंकटन, दूसरा आपका रूटेड सबमर्ज। धीरे धीरे सॉयल का लेवल क्या हो रहा है, सॉयल का लेवल इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सॉयल का लेवल है, और धीरे धीरे रिप्लेसमेंट हो रहा है रेड स्वयं, फिर ये रेड स्वयं में कन्वर्ट हो रहा है, फिर धीरे धीरे ये इसको कन्वर्ट मॉर्स, फिर देखिए वुडलैंड। अब ये क्या है, धीरे धीरे ये क्या है, टेरेस्ट्रियल। सॉयल का लेवल इतना ऊंचा हो गया वहां पे कि अब वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की तरफ बढ़ने लगे, ऐसे प्लांट ग्रो करने लगे जिनके पास वूडी नेचर्स होते हैं, जिनके स्टेम क्या होते हैं, बहुत थिक होते हैं, जिनके पास वेल डेवलप रूट होते हैं, जो वेल ऑर्गेनाइज होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और धीरे धीरे क्या होता है, ये वुडलैंड कन्वर्ट हो जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से आप देखोगे कि ये ट्रेंड सक्सेशन का हाइड्रोस्फीयर के अंदर चलता रहता है, हाइड्रोस्फीयर में इस तरह का क्रम चलता रहता है, तो आपको इसको रिमेम्बर करने की जरूरत है। ओके, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि आपको एग्जाम्पल में इनका नाम, अब देखिए यहां पे ऊडी प्लांट्स के एग्जाम्पल में कौन होंगे, सैलिक्स, कॉर्नस, पॉपुलस, एल्मस, इनको रिमेम्बर करने की जरूरत होती है। फिर लास्ट में कौन से आते हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं, फॉरेस्ट के प्लांट को आपको रिमेम्बर करने की जरूरत होती है। इस तरह से आपने देखा कि सेरल कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी और पॉइनियर कम्युनिटी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इन प्लांटों का नाम एक बार याद करने की जरूरत होती है, इन प्लांटों के एक बार। गुड मॉर्निंग रविन जी, गुड मॉर्निंग। तो आप देखोगे इन प्लांटों के नाम आपको याद करने की जरूरत होती है। तो मैंने आपको बताया कि देखिए क्वेश्चन इस तरह आपके एग्जाम में आ जाता रहता है कि प्लैंकटन, सबमर्ज, फ्लोटिंग, रेड स्वैम, सेज मेडो, और तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हाइड्रोसेयर के एग्जाम में लगाने के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता रहता है। तो आप देख सकते हो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेरल स्टेज इन द हाइड्रोस्फीयर, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको सीक्वेंस बताना होता रहता है। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे कि आपने देखा इसको, आप देखो कैसे फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट, ए फाइटोप्लैंकटन है, बी आपका सबमर्ज्ड प्लांट है, सी आपका सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, डी आपको रीड स्वैम स्टेज दिख रही है, एफ स्क्रब स्टेज दिख रही है, और जी एकदम फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो चुका है।
धीरे धीरे एक पॉन्ड क्या हो रहा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कन्वर्ट कर रहा है, और वो क्या है, फॉरेस्ट क्लाइमेट कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, इस तरह से आपको ये डिफरेंट प्लांट के नाम्स हैं, इनको याद करने की जरूरत है आपको। ये वुडलाइन, फॉरेस्ट, आप इन स्टेज को रिमेम्बर कर लेंगे। मैंने बोला ना कि फॉरेस्ट क्या होता है, जो फॉरेस्ट आपका होता है दैट इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन द हाइड ऑर्चर सेंटर। उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है, जिसका रिप्लेसमेंट ये पूरी तरह से बेटर वी एडॉप्ट कर जाता है उस इन्वायरमेंट में, इस वजह से इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो जाता है। ये तब तक रिप्लेस नहीं होता जब तक कि ये इसके साथ में क्या होम्योस्टेसिस बनाए रहेगा वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अंतर्गत। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए, आप इसको याद कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने कोट किया है, और वो सारा एक सीक्वेंस पे आपके प्लांट्स दिखाया गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं व्हाट इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी की हम लोग अगर बात करें तो अब इसमें हम देखेंगे, पहली बात आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो शुरुआत में जो कम्युनिटी आती है उसे पॉइनियर कम्युनिटी कहा जाता है, जो शुरुआत में आती है उसे क्या कहते हैं, पॉइनियर कम्युनिटी कहते हैं। जो इंटरमीडिएट कम्युनिटी होती है उनको सेरल स्टेज कहा जाता है, जो सबसे स्टेबल कम्युनिटी होती है उन्हें कहा जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो लास्ट में आती है उसे कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है कि आपको मैंने बताया कि सबसे पहले कौन होता है, ए, ए से बी कम्युनिटी होती है, बी से अगर सी है, सी से अगर डी है, तो लास्ट वाली क्या होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, जो स्टेबल होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, ठीक, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है जो मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी होती है, स्टेबल कम्युनिटी होती है। और ये जो बीच की स्टेज होती है इनको मैंने बताया था ये क्या होती है, सेरल कम्युनिटी होती है, इन्हें कहते हैं सेरल कम्युनिटी कहते रहते हैं। और ये जो कम्युनिटी होती है जो सबसे पहले स्टार्ट होती है किसी भी जगह सक्सेशन होती है उन्हें कहते हैं पॉइनियर कम्युनिटी कहते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि किसी भी सक्सेशन की जो लास्ट स्टेज होती है वो कहलाती है क्या, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी सबसे स्टेबल कम्युनिटी क्यों कहलाती है, मैंने उसके पीछे कारण बताया था कि ये उस इन्वायरमेंट के साथ पूरी तरह से अपने आप को एडाप्ट कर लेती है, पूरी तरह से फिट हो जाती है और अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं करती है। जब ये अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेगी और जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है पूरी तरह से अगर यहाँ पे एडाप्ट कर जाएगी, इसका मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होगा, और तब तक नहीं होगा जब तक ये क्या करेगी, पूरी तरह से वहाँ एडजस्ट की जाएगी। और बेसिकली ये क्या होती है, मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी हो जाती है, और इसका रिप्लेसमेंट नहीं होता, बार बार ये रिप्रोडक्शन करती है और उसी स्टेज में सक्सेशन की पड़ी रहती है जब तक कि कोई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय न कर दिया जाए। अगर आप किसी प्लेस में फॉरेस्ट है, देखो बार बार वो फॉरेस्ट बनता रहेगा और फॉरेस्ट वहीं पर पड़ा रहेगा जब तक कि कोई इंसान उसको जा करके रिमूव ना कर दे, वहाँ कोई इंडस्ट्री के लिए उसकी प्लांटों की कटिंग ना कर दे, या उस फॉरेस्ट के अंदर फिर से फायर न लग जाए। ओके, तो क्या कहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ तो कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे फाइनल स्टेबल कम्युनिटी जनरली रिमेन सेम इफ अनडिस्टर्ब, मतलब कहते हैं फाइनली स्टेबल कम्युनिटी वो होती है, जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होती है उसी को कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है। जनरली ये क्या करती है, उसी तरह पड़ी रहती है, अगर इस फॉरेस्ट को डिस्टर्ब ना करिए तो लगातार वैसा ही बना रहेगा, एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ही तरह के सक्सेशन होते रहते हैं, बोथ प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन विद इन अ क्लाइमेट कम्युनिटी। मैंने कहा कि यहाँ पे दो सक्सेशन लगातार चलते रहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन चलते रहते हैं। ओके, okay?
तो आपके सामने क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं आप कि ये क्या है, एनिमल प्लांट्स हैं। इसके बाद ये पेरिनियल प्लांट्स आ रहे हैं, सक्सेशन ऐसे देखिए बढ़ रहा है ट्रेंड ऑफ सक्सेशन, और लास्ट में जो स्टेज आ रही है वो फॉरेस्ट आ रही है। फॉरेस्ट स्टेज क्या होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है जो इस सक्सेशन के लास्ट स्टेज में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टेबल ग्रुप ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट इन द रिजल्ट ऑफ द सक्सेशन इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में जाना जाता रहता है। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। या आप इसको कह सकते हैं द फाइनल स्टेज ऑर्गेनिज्म दैट मेक अप द फाइनल स्टेज ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ए बैलेंस इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा जैसे ये डेसिडुअस वुडलैंड फॉरेस्ट है, आप यहां देखो डेसिडुअस कहते हैं कि ये पूरी तरह से बैलेंस है, एकदम इक्विलिब्रियम डेवलप कर लिया है क्लाइमेक्स के साथ में, वहां के इन्वायरमेंट के साथ पूरी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, ना ही अपने में कोई परिवर्तन कर रहा है और दूसरे जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें पूरी तरह से एडाप्ट हो जाएगा, तो इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब हमारे सामने आता है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी के क्या नेचर्स हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लिए दो थ्योरी दी गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। फीचर्स ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, बेसिकली क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती हैं उनके कुछ फीचर होता है, जैसे आप देखो इनके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं उनको आप समझें। एक मोस्ट स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक मोस्ट स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी कि क्या क्या नेचर हो सकते हैं। अगर हम देखें यहां पे, जैसे कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, आखिर वो क्यों स्टेबल उस इन्वायरमेंट में है, क्यों बेटर एडॉप्ट है, इसके बारे में थोड़ा समझानेंगे। और हम देखते हैं पहला, द वेजिटेशन इज द टॉलरेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ फॉरेस्ट, जैसे एग्जाम्पल आप ले लो फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट जो आपका होता है ये इसमें हार शराब ट्री सब हो जाते हैं और ये पूरी तरह से उस लोकलिटी के अंदर उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर गया, उस इन्वायरमेंट को टॉलरेंट कर ले रहा है, साथ साथ अपने या तो प्लांट खुद नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, जो वहाँ की कंडीशन है उसमें पूरी तरह से अडॉप्ट, इसीलिए इसे कहते हैं कि ये स्टेबल है और इसको कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि बहुत ही टॉलरेंट इनके पास ज्यादा होता है उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में। दूसरी पॉइंट इसके पास है कि इट हैज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज एंड कॉम्प्लेक्स फूड चेन। देखो भाई किसी फॉरेस्ट को अगर आप देखोगे तो वहां पे बहुत सारी स्पीसीज पाई जाएंगी, नंबर ऑफ स्पीसीज जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। देखो हर्ब पाया जाएगा, सरफ पाया जाएगा, लाइनास पाया जाएगा, क्रीपिंग प्लांट पाए जाएंगे, वहाँ एनिमल्स पाया जाएगा, तो एक जंगल के अंदर देखो एक फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है और वहाँ फूड चेन कैसी होगी, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप की स्पीसीज की संख्या ज्यादा होगी वहाँ फूड चेन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स फूड चेन होगी, हर के पास अल्टरनेटिव चॉइस होगा, वहां पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड चेन होगा, हर फूड चेन हर ट्रॉफिक लेवल पे एक अल्टरनेटिव चॉइस प्रेजेंट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये भी क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। ओके, अगली बात हमारे सामने आती है, अगर आप देखें नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स, देखिए यहां पे दिया हुआ है इंडिविजुअल्स इन द क्लाइमेक्स स्टेज आर द रिप्लेस बाय द अदर काइंड ऑफ द अदर ऑफ द सेम काइंड, दस द स्पीसीज कंपोजिशन मेंटेन द इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, इसको आप ऐसे समझिए
कह रहा जो क्लाइमेक्स स्टेज के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो वहाँ कम्युनिटी आती है वो अपने ही जैसे लोगों से रिप्लेस होती है। जैसे आप देखो कोई फॉरेस्ट हो, फॉरेस्ट में क्या होता है कि अगर फॉरेस्ट रिप्रोडक्शंस करेगा, वहाँ जो प्लांट ग्रो कर रहा है बड़ा होगा, रिप्रोडक्शंस करेगा, फिर एक अपने जैसा प्लांट बनाता रहेगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, एक कम्युनिटी है उसका रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है, बी से। बी का रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है, सी से। सी क्या हो रही है, पूरी फॉरेस्ट बना रही है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का आपका एकदम पूरा क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो आपकी है बार बार ये रिप्रोडक्शंस करेगी और अपने जैसा ही बनाएगी, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शंस करेगी और अपनी जैसी ही कम्युनिटी वहां पे बनाएगी। इसका मतलब उसका रिप्लेसमेंट किसी और से नहीं हो रहा है, अपने जैसे ही प्लांट्स होता है, क्योंकि ये क्या करता है, बार बार रिप्रोडक्शन करेगा, सीड बनाएगा, जर्मिनेट करेंगे, फिर वैसे ही फॉरेस्ट बन के तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब कि क्लाइमेक्स स्टेज की जो कम्युनिटी है वो सेम काइंड ऑफ कम्युनिटी से रिप्लेस होती रहती है, और ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, इक्विलिब्रियम कर लेते हैं इस एनवायरमेंट के साथ। देखिए और कहते हैं इसके बारे में, इट इज अ इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। आप देखिए ध्यान सुनिएगा इस बात को, इट इज एन इंडेक्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, द लाइफ आर ग्रोथ फॉर इंडिकेट द क्लाइमेटिक कंडीशन। बेसिकली कहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, वहां का जो क्लाइमेट है ना वही मेन कारण है जिसके साथ ये क्या कर रहे हैं, एडजस्ट किए हुए हैं। तो क्लाइमेटिक कम्युनिटी क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने एक फैक्टर्स दिया कि क्लाइमेट उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जिसके साथ वहां की कम्युनिटी एडजस्ट कर ले रही है। इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया, ओके। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या है, फ्यूचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के कुछ और भी करते हैं, स्लो ग्रोथ रेट होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप देख सकते हो कि इनकी ग्रोथ कैसे होती है, स्लो ग्रोथ होती है। देखो स्लो ग्रोथ होते हैं जिस, देखो भाई किसी फॉरेस्ट में, अगर फॉरेस्ट में कौन होगा, फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्री होंगे, ट्री फॉरेस्ट। तो ट्री अगर फॉरेस्ट होगा तो आपको पता है कि कोई भी फॉरेस्ट अगर है, अगर वहां ट्री है तो ट्री की लाइफ तो बहुत लंबी होती है ना, 30 40 50 साल का भी हो सकता है। अगर उसकी लाइफ साइकिल लंबी होगी तो धीरे धीरे ग्रो करता होगा, तो प्लांट कैसे करता हो, ग्रो करता है। दूसरा पॉइंट होता है कि इनका लार्जर साइज होता है, क्योंकि जब फॉरेस्ट होगा तो प्लांट क्या होंगे, बड़े बड़े साइज के होंगे। लो रेट ऑफ डिस्पर्सल होगा, क्योंकि फॉरेस्ट बन चुका है, वहां पे जो सीड है, जो यहाँ पे जो सीड है पूरी तरह से फॉरेस्ट अगर बन गया है, ये पूरी तरह से फॉरेस्ट है, तो यहाँ का जो सीड गिरेगा उन्हीं के बीच में गिरेगा, उसी के सॉइल में, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा प्लांट होते हैं कि वो प्लांट होते हैं जिसके वजह से विंड भी इनके सीड का डिस्पर्सल नहीं कर पाएगी। अगर विंड चाहे इसके सीड को उड़ा करके बहुत दूर लेके चले जाए और वहां पे डिस्पर्सल कर दे तो नहीं कर पाती है, क्योंकि सीड गिरेगा फॉरेस्ट के अंदर तो उसी फॉरेस्ट में ही रह जाएगा, और किसी रेगिस्तान में होता जहाँ फॉरेस्ट न होता, सोचिए, तो वहां पे विंड आती और किसी भी सीड को उड़ा के कहीं दूर लेके चली जाती, क्योंकि यहाँ पे का जो सीड गिरता है उसी फॉरेस्ट के फ्लोर में नीचे पे गिरता है, इसलिए क्या होता है कि उसका लोअर रेट ऑफ डिस्पर्सल होता है। दूसरी बात, लोअर रेट ऑफ कोलोनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एडजस्टेबल कम्युनिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर को सरवाइव करने के लिए संघर्ष करना पड़ता रहता है। इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, लॉन्गर लाइफ होती रहती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी के, आपको याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फीचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। जैसे पहला पॉइंट है ग्रेटर बायोमास, स्वाभाविक सी बात है, अगर आप देखो यहाँ सीड है, जर्मिनेट कर रहा है, धीरे धीरे श्रब प्लांट बन रहा है, और यहाँ पे पूरा ट्री बन रहा है, पूरा फॉरेस्ट, यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट बन के तैयार है। यानी अब क्या होता है, ये पायनियर कम्युनिटी है,
पायनियर कम्युनिटी है, ये इंटरमीडिएट आपका है, ये इंटरमीडिएट है सेरल, और ये क्या है फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट आपको पता है ना, फॉरेस्ट क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। अगर हम इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एग्जांपल लें तो आप देख सकते हो कि ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी जहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो स्वाभाविक सी बात है लंबे प्लांट्स होंगे, बड़े बड़े ट्री होंगे, तो उनका बायोमास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि दूसरा पॉइंट क्या क्या आ रहा है, इन पॉइंटों को समझ लेने की जरूरत होती है। जैसे लिखा हायर लेवल ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी, चूंकि यहाँ पे सब तरह के प्लांट पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट के अंदर, हर्ब्स भी पाया जाएगा, श्रब्स भी पाया जाएगा, ट्री भी पाए जाएंगे, और लाइनोस भी पाए जाएंगे, क्रीपिंग प्लांट पाए जाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। ओके, बेटर सॉइल स्ट्रक्चर क्यों होगी, अगला पॉइंट है बेटर सॉइल स्ट्रक्चर। देखो इसको आप देखिए, बेटर सॉइल स्ट्रक्चर, आपको पता है कि जो बड़ा सा जंगल होगा, जो बहुत बड़ा फॉरेस्ट होगा, उस फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा, जब बहुत सारे प्लांट्स होंगे उस फॉरेस्ट के अंदर, तो उनकी पत्तियां जो लीफ होगी वो धीरे धीरे वहीं गिरेगी। किसी फॉरेस्ट में आप चले जाइए, अगर उस समय आप देखिए डेसिडुअस टाइम कहते हैं ना, तो अगर आप चले जाओगे तो पूरे ग्राउंड के ऊपर लीफ ही लीफ देखिए, पत्तियां ही पत्तियां दिखेंगी। स्वाभाविक सी बात है पत्तियां, क्योंकि जो पत्तियां वहां ऊपर से लीफ फॉल होगा वो कहाँ गिरेंगे, पत्तियां उसके ग्राउंड में, पूरी तरह से जंगल की जो निचला लेवल होता है ना वो पत्तियों से घिरा हुआ होगा, वो पूरा सॉइल ढका हुआ होगा। जब इन सॉइल का डिकम्पोजिशन होगा, इन सॉइल का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, जब इनका डिकम्पोजिशन कौन करेगा, वहां पे जो साइप्रोफाइट होंगे यानी बैक्टीरिया और बैक्टीरिया और फंजाई, जब उनको डिकम्पोज करेंगे तो वहां पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाएगा, तो सॉइल क्या होगी, न्यूट्रिएंट रिच होगी। पीएच लोअर में आता है, आपको पता है क्यों पीएच सॉइल का, इस सॉइल का पीएच क्या होता है, सॉइल क्या होता है, पीएच लो होता है। क्यों होगा, जब बैक्टीरिया जो फॉरेस्ट है उसकी लीफ अगर गिर रही है नीचे है, उसको डिकम्पोज कर रहा है, तो जब डिकम्पोज करेगा बैक्टीरिया तो वहां पे क्या होगा, एसिडिक पीएच बढ़ते चले जाएगा। जैसे किसी फॉरेस्ट की सॉइल को देखोगे तो उस सॉइल कैसे होगी, एसिडिक होती है। आपको पढ़ा होगा कि जो ह्यूमस बनता है ना, जो लीफ को डिकम्पोज करता है वो ह्यूमस बनता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, सॉइल के अंदर डिजॉल्व होता है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है, ठीक। और यहाँ के प्लांट्स क्या होते हैं, टॉलर होते हैं। जब किसी फॉरेस्ट में देखोगे ट्री बड़े बड़े होंगे, तो इनके प्लांट्स क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, टॉलर्स होंगे, लॉन्गर लिविंग प्लांट। जैसे प्लांट बड़ा सा ट्री होगा तो टाइम लेगा, उसकी लाइफ साइकिल बड़ी होगी, 30 साल 40 साल 50 साल का प्लांट हो सकता है, और उसकी हाइट ज़्यादा होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैसी प्रजाति ज़्यादा पाई जाती हैं, की सेलेक्टेड स्पीसीज। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वो स्पीसीज होती हैं जिनका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो कंपटीशन में एडजस्ट कर सके। मैंने बताया था आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड की मैंने एक वीडियो लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, उसको देखे। मैंने बहुत सारे करेक्टर बनाए हैं, उनमें एक करेक्टर है कि सक्सेशन के लास्ट स्टेज में जो कम्युनिटीज आती हैं उन्हें की सेलेक्टेड स्पीसीज कहा जाता है। जो बहुत ही ज़्यादा कम्पटीटर होती हैं उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए कम्पटिशन करती रहती हैं, और उनकी साइज बड़ी होती है, सारे करेक्टर्स उसके हैं, लाइफ साइकिल उनकी लंबी होती है, पैरेंटल केयर उनका ज़्यादा होता है, दे आर द करेक्टर ऑफ के स्ट्रेटजी, ठीक है। ग्रेटर हैबिटेट डाइवर्सिटी, आपको पता है कि एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है हैबिटेट की। कारण क्या है, वहाँ पे हर्ब्स भी है, श्रब्स भी है, ट्री भी है, लाइनॉस भी है, और क्रीपिंग प्लांट्स भी हैं, सब तरह के प्लांट्स होते पाए जाते हैं, और सबकी क्या है, अलग हैबिटेट रहने की डाइवर्सिटी होती है, और इन सब के बाद ये सब बहुत ही ज़्यादा एडजस्टेबल होते हैं। इसी वजह से इनका नाम क्या है, स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम बनाए रहते हैं, स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी का कुछ फीचर्स आपके सामने मैंने रखा। चलिए यहां तक की बातें आप लोग को समझ में आई, चलो एक बार हमको रिप्लाई करो एवरीबॉडी, किसी का कोई क्वेश्चन देखिए आप लोग।
तो आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने आपको क्लाइवेज कम्युनिटी का एग्जाम्पल्स बता दिया। ओके, अब बात एक चीज और आती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्यों उसका नाम दिया गया, क्या किसको केवल क्लाइमेक्स ही प्रभावित करता रहता है? तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के आधार पे कुछ थियरियां दी गई हैं। जैसे सबसे पहली थियरी आई मोनोक्लाइमेक्स थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज द मोनोक्लाइमेक्स थियरी। मोनोक्लाइमेक्स थियरी को किसने दिया था, इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते रहते हैं। तो सबसे पहले इस मोनोक्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने एफी क्लीमेंट्स, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी मच इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, 1916 में इन्होंने सबसे पहले बताया फॉर ईच क्लाइमेटिक जोन्स ओनली वन टाइप ऑफ क्लाइमेक्स वेजिटेशन कुड बी इवॉल्व। इन्होंने बताया कि सबसे पहले एफी क्लीमेंट 1916 में बात बताई कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, जो स्टेबल कम्युनिटी बन के तैयार हो रही है, उसके वहाँ स्टेबल होने के पीछे एक कारण सिर्फ है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का जो क्लाइमेट है वही एक फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रही है, वो स्टेबल है, और उसके साथ एक ही वहाँ कम्युनिटी पाई जाती है, उसे कहते हैं क्लाइमेक्स वेजिटेशन। और इसीलिए इनका नाम लिखो, नाम लिखा है कि मोनो क्लाइमेक्स, इस बात को ऐसे समझ सकते हो, मोनो, मोनो मीन्स सिंगल होता है, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, क्लाइमेक्स का मतलब क्लाइमेटिक कम्युनिटी, क्लाइमेटिक कम्युनिटी, यहां पे क्लाइमेटिक कम्युनिटी, एक ही क्लाइमेटिक कम्युनिटी पाई जाती होती है जो उस क्लाइमेट पे एडजस्ट कर रहता है। देखिए लिखा गया he called this climatic vegetation, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी, इसको ऐसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि जो सक्सेशन के लास्ट स्टेज में जो कम्युनिटी आ रही है, आप देखो यहाँ पे जो सक्सेशन के लास्ट स्टेज में कम्युनिटी आ रही है, आप यहाँ देखिए जो ये सब शुरुआत में जो आते हैं उसे क्या कहते हैं, पायनियर कम्युनिटी, ये जो बीच में आती है उन्हें क्या कहते हैं, सेरल स्टेज। मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये क्या ई है, ई क्या फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी। और मैंने बोला कि ये जो स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी के पीछे एक कारण बताया गया, केवल क्लाइमेक्स, वहां का जो क्लाइमेट है ना वही केवल डिसाइड करता है, और वहां पे उसी के अकॉर्डिंग यानी क्लाइमेट ही डिसाइड करता है उसकी स्टेबिलिटी को, इसलिए इसको मोनो क्लाइमेट कॉन्सेप्ट कहा गया, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, ठीक है, तो यहाँ पे मोनोक्लाइमेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, सिर्फ ये आता रहता है कि इस थ्योरी को किसने दिया, एफी क्लीमेंट साहब ने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ जो इंपॉर्टेंट आता है कि जो स्टेबल कम्युनिटी यहाँ पे आई है उसके पीछे क्या कारण है, उसका एक ही फैक्टर इन्होंने बताया, वो केवल क्या है, क्लाइमेट वहाँ का डिसाइड करता है ये स्टेबिलिटी है। आप एग्जाम्पल बताइए, ये थ्योरी शुरुआत में सबसे पहले आई तो इसको रिलीवेंट समझा गया कि शायद वहाँ क्लाइमेट ही डिसाइड करता है कि ये उसके साथ इक्विलिब्रियम बना ले रहा है फॉरेस्ट, इसलिए ये स्टेबल है। तो इन्होंने एक फैक्टर बताया, लेकिन आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि क्लाइमेट किसी भी जगह पे अगर कोई भी कम्युनिटी डेवलप कर रही है तो उसको प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं, जैसे वहाँ का सॉयल एडिफिक फैक्टर, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की लाइट, वहाँ का क्लाइमेट, यानी वहाँ का हर चीज, यानी एक फैक्टर केवल क्लाइमेट यानी टेम्परेचर वाटर लाइट ही नहीं पड़ता, वहाँ एक सॉयल भी एक फैक्टर हो सकता है जो इसको क्या कर सकता है, उस कम्युनिटी को रिप्लेस करने में या एडजस्ट करने में हेल्प कर सकता है। तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी में एक लाइन में आपको यह समझने की जरूरत है कि मोनोक्लाइमेक्स का थ्योरी का मतलब कि जो फॉरेस्ट या क्लाइमेटिक कम्युनिटी है, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, उसके लिए एक फैक्टर केवल रिस्पॉन्सिबल है, वो वहाँ का क्लाइमेट उसमें एडजस्ट कर रहा है यदि, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया मोनोक्लाइमेटिक कंडीशंस। वहाँ पे स्वयं एफी फैक्टर का कोई रोल नहीं निभा रहा, लेकिन आपको ये बात जानने की जरूरत है। देखिए इन्होंने जो बातें की है वही बातें बताई देते हैं,
इन्होंने क्या लिखा है, एक लाइन आपको यहाँ समझने की जरूरत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने क्लेमेंट साहब ने का विश्वास क्या था। क्लेमेंट साहब का था, क्लेमेंट्स बिलीव दैट इट वॉज द क्लाइमेट एंड क्लाइमेट एलोन दैट डिटरमाइन द फाइनल स्टेज टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया, देखिए क्लेमेंट साहब ने मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी दिया, उन्होंने जो बात बताई उन्होंने क्या कहा, इनका विश्वास था कि जो स्टेबल कम्युनिटी आ रही है, जो वहाँ एडजस्ट किए है, फॉरेस्ट जो एडजस्ट किया है, उसके पीछे एक कारण है, वहाँ का क्लाइमेट, और उस क्लाइमेट में क्या है, पूरी तरह से ये एडजस्ट हो जा रहा है, तो क्लाइमेट के कारण ही फॉरेस्ट वहाँ पे एडजस्टेबल है। लेकिन इस थ्योरी को मैंने कहा ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, मैं एग्जाम्पल एक देता हूँ आपको, देखो एक एग्जाम्पल दो, किसी भी प्लेस पे, ए बी कम्युनिटी, बी सी ये सी, सी के बाद सबसे पहले आ रहा, लास्ट में आ रहा फॉरेस्ट कम्युनिटी, फॉरेस्ट कम्युनिटी, और ये फॉरेस्ट कम्युनिटी, ये फॉरेस्ट कम्युनिटी जो आपकी है, दिस इज द फॉरेस्ट कम्युनिटी, आपको पता है ये फॉरेस्ट कम्युनिटी बार बार क्या करती है, अपने को ही रिप्लेस करती है, रिप्रोडक्शन के द्वारा यही बनी रहती है ये, तो इसे कहते हैं स्टेबल कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी, ठीक है, स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं। और एफी क्लीमेंट साहब ने बताया, क्लीमेंट साहब ने बताया कि क्लाइमेट इज ओनली रीजन, क्लाइमेट ही वह रीजन है जिसकी वजह से ये स्टेबल है, उसके साथ एडजस्ट है, तो एक फैक्टर होता है। चूंकि आपको पता है कि किसी भी प्लेस पे, आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि वहाँ केवल क्लाइमेट ही नहीं डिसाइड करता है कि वो कम्युनिटी वहाँ रहेगी, वहाँ का सॉयल, सॉयल पता है ना, एडिफिक फैक्टर्स, वहाँ का क्लाइमेट, एडिफिक फैक्टर, सॉयल, ये भी बदलाव ला सकता है। तो क्लीमेंट साहब ने सिर्फ एक बात कही, क्लाइमेट उसके पीछे कारण होता है, लेकिन ये थ्योरी बहुत दिनों तक चल नहीं पाई, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से है कि क्या किसी जगह पे केवल क्लाइमेट वहाँ पे सर्वाइवल फिटेस्ट है, क्लाइमेट ही वहाँ पे कारण सकता है किसी कम्युनिटी के सर्वाइवल का, वहाँ की सॉयल में अगर परिवर्तन आ जाए, वहाँ के पीएच में परिवर्तन हो जाता तो भी परिवर्तन आ सकता है। तो दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ए जी टेंसले ने क्या बताया, देखो देखो अगली थ्योरी जो आई मोनो, देखो अगली थ्योरी का नाम था, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण क्या है मैंने आपको बता दिया कि किसी भी जगह पे केवल एक कारण नहीं हो सकता है किसी कम्युनिटी के स्टेबिलिटी का या उसके रिप्लेसमेंट का, ठीक है। मैंने बताया कि अभी तक मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी में आपने देखा एफी क्लीमेंट साहब ने एक बात बताई थी, सिर्फ एक बात उन्होंने बताई कि वहाँ पे केवल वहाँ का क्लाइमेट है जिसकी वजह से वो कम्युनिटी वहाँ पे एडजस्ट की हुई है। क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या आता है, क्लाइमेट का मतलब क्या, वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन, वहाँ लाइट, टेम्परेचर, वाटर। लेकिन आप सोचिए अगर मैं वहाँ की सॉइल का पीएच बदल दूँ, वहाँ का सॉयल में न्यूट्रिएंट बदल जाए, तो कम्युनिटी बदल नहीं जाएगी, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उसको कठिन हो सकता है। तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी का ये एक्सेप्शन था, उन्होंने सिर्फ एक कारण बताया था एफी क्लीमेंट साहब ने उस चीज़ को, और सच्चाई भी यही है कि कई सारे फैक्टर क्या होते हैं किसी भी जगह पे जो कम्युनिटी होती है उसके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में, उसको एडजस्ट करने में कई फैक्टर होते हैं, जैसे वहाँ का क्लाइमेट हो सकता है, वहाँ की सॉयल हो सकती है, वहाँ का पीएच हो सकता है, ठीक है, तो कई सारे कारण हैं। तो इस थ्योरी को रिप्लेस करके एक नई थ्योरी आई जिसे कहा गया पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी, मतलब उस प्लेस पे कई सारी कम्युनिटी, कई सारे फैक्टर की वजह से कम्युनिटी सर्वाइव करती है। पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी को किसने दिया, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें
आप देख सकते हो कि किसी भी कम्युनिटी को यहाँ पे अगर आप देखें इस प्लेस पे, अगर ये कोई भी कम्युनिटी है, अगर ये स्टेबल कम्युनिटी है, तो इसको प्रभावित वाले कई फैक्टर्स होते हैं, मेनी फैक्टर्स हो सकते हैं। वहां इसको प्रभावित करने वाले क्या हो सकते हैं? क्लाइमेट वहां का हो सकता है, वहां का सोयल हो सकता है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है, ठीक है, वहां का माइक्रो क्लाइमेट हो सकता है, ठीक है, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। देखिए, यानी किसी भी कम्युनिटी को कई फैक्टर डिसाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया, इस थियरी का क्या रखा गया? पॉली क्लाइमेक्स थियरी। पॉली क्लाइमेक्स थियरी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो एफी क्लेमेंट साहब ने बताया था मोनो क्लाइमेट थियरी में कि वो केवल क्लाइमेट्स, देखो बस इसको किसने बताया था? क्लाइमेट आपको हमने बताया कि इसको केवल एफी क्लेमेंट साहब ने मोनो क्लाइमेक्स में इसी को बताया था। क्लाइमेक्स थियरी में उन्होंने बताया कि सिर्फ एक कारण है, क्लाइमेट वहां का है जो स्टेबल वहां की कम्युनिटी के नेचर को डिसाइड कर रहा है, और बाकियों को इन्होंने नहीं बताया था, जो कि सॉयल, ड्रेनेज सिस्टम, माइक्रो क्लाइमेक्स और ह्यूमन एक्टिविटी। आपको पता है ये फैक्टर भी वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको, इन सारे फैक्टर्स को शामिल करते हुए जो अगली थ्योरी दी गई उसका नाम रखा गया पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी। देखो लिखा गया है यहाँ पे, पॉइंट आप समझिए, यहाँ लिखा है द मोनो क्लाइमेक्स थ्योरी कॉन्सेप्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी। और पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी क्या कहता है? द थ्योरी एक्नॉलेज दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट ओनली द क्लाइमेट, केवल एक क्लाइमेट ही वहां पे फैक्टर नहीं है जो परिवर्तन का कारण है, वहां पे क्या है, बट ऑफ द सेवरल लोकल फैक्टर्स, वहां बहुत सारे लोकल फैक्टर भी डिसाइड करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? वहां का ड्रेनेज सिस्टम, वहां का पेरेंटल रॉक, वहां की रिलीफ, वहां का माइक्रो क्लाइमेट, वहां ह्यूमन एक्टिविटी, ये सब भी वहां पे डिसाइड करते। भाई देखिए, किसी भी जगह पे अगर कोई परिवर्तन, कोई फॉरेस्ट है, क्या वहां फॉरेस्ट को प्रभावित करने वाले क्या वहां का क्लाइमेट है? वहां का रहने वाला इंसान भी उसको काट करके उस जंगल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहां पे पता चला वहां पे जो रिवर है जिसका ड्रेनेज सिस्टम वो भी प्रभावित कर सकती है, पता चला कि वहां सॉयल का पीएच बदल गया, पीएच बदल गया वो भी प्रभावित कर सकता है, तो सॉयल का न्यूट्रिएंट, वहां पे जो माइक्रो हैबिटेट, जो छोटे छोटे क्लाइमेट डेवलप है वो भी प्रभावित कर सकते हैं, वहां की रॉक भी प्रभावित कर सकती है। तो कई सारे कारक किसी भी कम्युनिटी को प्रभावित करते रहते हैं, इसलिए मोनो क्लाइमेक्स थियरी को रिप्लेस कर दिया कौन? पॉली क्लाइमेक्स थियरी। दैट्स ऑल, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे देखो अब आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले पॉली क्लाइमेक्स थियरी को किस वैज्ञानिक ने दिया? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखेंगे, ए जी टेंसले, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ए जी टेंसले हैज गिवेन द पॉली क्लाइमेक्स थियरी। पॉली क्लाइमेक्स थियरी को किसने दिया? ए जी टेंसले साहब ने। और मोनो क्लाइमेक्स को किसने दिया? एफी क्लेमेंट। ये आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपके सामने आती है, देखिए लिखा गया है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी द क्लाइमेक्स कम्युनिटी आर कंट्रोल्ड बाय सॉयल मॉइस्चर, मिनरल आयंस, एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स, वहाँ की टोपोग्राफी एंड वहाँ पे अदर फैक्टर्स। मेरी कहने का मतलब कि किसी भी जगह पे कम्युनिटी को डिसाइड करने वाला केवल क्लाइमेट वहाँ का एक फैक्टर नहीं है, वहाँ पे सॉयल, सॉयल किसके अंदर स्टडी किया जाता है? एडिफिक फैक्टर के अंदर, ठीक है।
एडजिंग फैक्टर के अंदर क्या आता है, वहाँ की एनिमल एक्टिविटी, वहाँ की ह्यूमन एक्टिविटी, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर, वहाँ का रॉक्स, यानी सभी फैक्टर्स, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, ये सारे प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं। चूंकि कई फैक्टर होते हैं इसलिए इस थ्योरी का नाम रख दिया गया पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी फैक्टर्स, वहां पे मेनी फैक्टर में क्या हो गया सॉइल, बता ना सॉइल भी हो सकता है, एनिमल एक्टिविटी वहां पे हो सकती है, वहां पे क्लाइमेट भी हो सकता है, इन सब फैक्टर्स मिल करके कम्युनिटी को प्रभावित करते रहती है। इस थ्योरी को पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी कहते हैं। देखो इस डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम को आप देखिए और इस डायग्राम में दिखाया गया पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी के दिखाया गया, यहां तक बात आप लोग को समझ में आई, सभी लोग बताओ, राजेंद्र जी, रावेंद्र, रुहिना, नेहा, बाकी लोग बताइए मोनो पॉलीक्लाइमेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसका मतलब क्या है, चलो रिप्लाई करो हमको सभी लोग, क्या सिचुएशन है। अब देखो जैसे मैं यहाँ आपको समझाना चाहूँ कि यहाँ पे पहला वाला पार्ट में देखो ये प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है, एक बेयर एरिया है, बेयर एरिया में सबसे पहले कौन ग्रो करता है, मैं कहता हूँ एक न्यू इनऑर्गेनिक नॉन वेजिटेटेड सरफेस, मैंने कहा कि यहाँ सॉयल है, सॉयल है, बेयर एरिया है, इस बेयर एरिया में जो सबसे पहले ग्रो करता है कौन होता है, पॉइनियर कम्युनिटी होती है, पॉइनियर कम्युनिटी होती है। इस प्राइमरी सक्सेशन में देखिए प्राइमरी सक्सेशन फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट हो रहा है, क्लाइमेक्स वेजिटेशन है, बीच की इंटरमीडिएट होता है। अब आप बताइए इस प्राइमरी सक्सेशन को बायोटिक सब क्लाइमेक्स ये भी प्रभावित कर सकता है, वहाँ का सॉइल प्रभावित कर सकता है, और ये सब के सब फैक्टर क्लाइमेक्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, यहाँ डिफॉरेस्टेशन, इंसान ने उसको क्या किया कटाई कर दे वहाँ की, वहाँ पे क्या करे बर्निंग, उस फॉरेस्ट में आग लग जाए, उस फॉरेस्ट के अंदर काट करके वहाँ पे खेती करने लगे, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि जब कई सारे फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता है किसी जंगल में आग लग जाए, मेरे को बताओ जंगल में आग लग जाए, फायर लग जाए, तो वहाँ पे कौन सा सक्सेशन डेवलप होगा, प्राइमरी की सेकेंडरी। देखो भाई अगर ये आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आग लग जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, जब वहाँ पे उसके जो आग लगने के बाद, क्योंकि वहाँ सॉइल तैयार है, वहाँ से पहले वेजिटेशन था, तो वहाँ पे जब भी अगला सक्सेशन स्टार्ट होगा उसे कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, उसे कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। हमने आपको बताया था प्राइमरी सक्सेशन कहाँ ग्रो करता है, बेयर एरिया में जहाँ कुछ भी नहीं ग्रो करता था, सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ ग्रो करता है जहाँ पहले से वेजिटेशन थी लेकिन उसको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय किया, और उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हुआ। जैसे देखो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या लग गया फायर, तो वहां पे जो सक्सेशन डेवलप होगा वो कौन होगा, सेकेंडरी सक्सेशन होगा, वो सेकेंडरी सक्सेशन था। इसका मतलब पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी में कई सारे फैक्टर, बिल्कुल सही बताया रुइना जी, सेकेंडरी सक्सेशन, चंद्रवाल जी, सेकेंडरी सक्सेशन होगा, इस बात को ध्यान, ये सारी बातें हम लोगों ने बता दिया है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि आपको देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसने दिया, तो एफ ई क्लेमेंट साहब। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के अंदर, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के अंदर केवल एक क्लाइमेट यानी वहाँ का क्लाइमेट एक फैक्टर वहाँ उस कम्युनिटी को रेगुलेट करता है, इस थ्योरी को, इसको रिप्लेस किया पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी ये कहता है किसी भी कम्युनिटी का या क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो फैक्टर डिसाइड करता है केवल क्लाइमेट भी वहाँ का कारण नहीं हो सकता है, उसके कारण और भी हो सकते हैं, वहाँ की ह्यूमन एक्टिविटी, वहाँ की एनिमल एक्टिविटी, वहाँ का सॉइल, वहाँ की रॉक, वहाँ का पीएच, वहाँ का न्यूट्रिशन, कई सारे फैक्टर वहाँ की टोपोग्राफी डिसाइड करते हैं, क्योंकि कई फैक्टर कम्युनिटी के डिसाइड करते हैं, इसलिए से कहा गया पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। ओके चलो यहां तक की बात आपको फुली समझ में आ गई होगी।
ये कुछ क्लाइमेट कम्युनिटी है, जैसे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट, आपके सामने कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना है दीज आर द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, फॉरेस्ट, ग्रॉस लैंड, जिसको जो स्टेबल है उस इन्वायरमेंट में, क्या है पूरी तरह से स्टेबल हो गया। डिजर्ट, डिजर्ट राजस्थान में रेगिस्तान है, राजस्थान का जो रेगिस्तान है वहाँ कैक्टस प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह की वेजिटेशन ग्रो कर रही है वो पूरी तरह से वहाँ पर एडजस्टेबल है, तो भी क्या है डिजर्ट वहाँ क्या है, वहाँ के डिजर्ट वो क्या है क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी को आप देख सकते हो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी को कोरल रिफ सॉयल के जो कहते हैं कोरल रिफ, ओशन के अंदर जो कोरल रिफ बनती है वो भी एक तरह का क्या है क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, जो वहाँ पे उस एनवायरमेंट में पूरी तरह से एडजस्टेबल है। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके हैं कोरल के, और हम देखेंगे अब हमारे सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है वो ये क्वेश्चन आता रहता है, यस, कि डिफरेंट प्राइमरी इकोसिस्टम और सेकेंडरी इकोसिस्टम के बीच का अंतर आपसे पूछता रहता है। कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीएसआईआर में टीजीटी पीजीटी कहीं भी ये पूछ लेता है कि अर्ली सक्सेशन और लेट सक्सेशन का अंतर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, इनके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ये सक्सेशन कैसे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि इमैच्योर और मैच्योर स्टेज ऑफ सक्सेशन में क्या डिफरेंसेस आते रहते हैं, इन पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीएसआईआर में लगातार क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है, इन करेक्टर का डिफरेंस होता है, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और देखेंगे इसके बाद क्या होता है। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।